अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्राफिक्स वाली सरकार। और मैं हूं आपका दोस्त मलिक मोहम्मद सत्तान। दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि आपने कॉपी पेस्ट की कमांड को कैसे यूज करना है और दो तीन और की कमांड्स मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको मेरी वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों, मोस्टली जो कॉमन कॉपी पेस्ट की कमांड है वो आपको बता देता हूँ, जो कोरल में इस्तेमाल होती हैं वो भी आपको बता देता हूँ। यहाँ पर ज़्यादातर लोग हर सॉफ्टवेयर में कॉपी पेस्ट की कमांड यूज़ करते हैं, वो वाली आपको बता रहा हूँ, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, वो भी इस कोरल पे यूज़ होती है। ये मैं कंट्रोल सी और कंट्रोल वी करता हूँ तो ये कॉपी हो गया। कंट्रोल सी कंट्रोल वी के बाद कोरल की एक और भी कमांड है जिसे आप बहुत फास्ट फास्ट काम कर सकते हैं और वो यूज़ भी ज़्यादा होती है कोरल में, वो है अपने माउस क्लिक से। माउस का जो आपका ये वाला क्लिक है लेफ्ट क्लिक, इसको आप पकड़ करके यहाँ पर मैं एक सर्कल बनाता हूँ, ये मैंने पकड़ के रखा, इसको आगे ले गया और मैंने राइट क्लिक कर दिया, ये वाला क्लिक कर दिया और जैसे मैंने क्लिक किया ये कॉपी हो गया। दोबारा इसको क्लिक करता हूँ, ये मैंने पकड़ा और यहाँ ले गया, ये देखें कॉपी हो गया। कॉपी पेस्ट की ये बहुत ज़्यादा यूज होने वाली कमांड है हमारे कोरल में। माउस क्लिक से लेफ्ट क्लिक से क्लिक करना है और राइट क्लिक के साथ इसको छोड़ देना है तो ये कॉपी पेस्ट हो जाएगा। इसके बाद एक और कॉपी पेस्ट की एक और अच्छी कमांड है जो कि इस कोरल में यूज़ ज़्यादा होती है। आपके न्यूमेरिक कीबोर्ड में एक बटन होगा जिसको हम प्लस कहते हैं, ये वाला बटन होगा आपके न्यूमेरिक कीबोर्ड में नंबरों वाली जगह पर, अगर उसको एक बार आप प्रेस करें तो आपकी कॉपी हो जाएगी। जितने बार आप प्रेस करेंगे इसकी कॉपी हो जाएगी। तो ये थी दोस्तों हमारे पास कॉपी पेस्ट की कमांड। कॉपी पेस्ट की कमांड जो मैंने लेफ्ट क्लिक से और राइट क्लिक से बताइए, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है और अगर ये आप ज़्यादा यूज़ करेंगे तो आपका वर्क बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा। तो दोस्तों, इसके बाद हम दूसरी कमांड पर काम करने वाले हैं जिसका नाम है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट हमारा यूज़ होता है, ये मैंने बॉक्स लगाया हुआ है ऑलरेडी, इसमें हम कोई भी ग्रेडियंट लगाते हैं, कंट्रोल जी नहीं ओनली जी दबाएंगे, जी से हमारी ग्रेडियंट लग जाती है। जी ब्रश करेंगे, ये ग्रेडियंट लग गया, हम ऊपर इसके कोई भी कलर दे देंगे और नीचे कोई भी कलर दे देंगे, ये हमारा जी से ग्रेडियंट आता है। दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली कमांड है। मैं इसकी एक और कॉपी ले लेता हूँ यहाँ पर और यहाँ पर कोई और ग्रेडियंट लगाता हूँ। और ग्रेडियंट की इकसाम भी होती है, यहाँ पर लीनियर, रेडियल और यहाँ पर स्क्वायर। यहाँ कोई भी डिज़ाइनिंग आप कर रहे हैं तो कोई भी चूज़ कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर F11 प्रेस करें तो हमारा ये जो ग्रेडियंट कमांड है ये इसकी प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी। यहाँ पर हमने कस्टम करना है और यहाँ पर जितने कलर हमें चाहिए वहाँ पर डबल क्लिक करते जाएंगे और इस कलर को उठा के इस पर रख देंगे या इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पर ये कलर, इसको क्लिक करेंगे ये कलर और इसको क्लिक करेंगे हमें यहाँ पर ये कलर चाहिए। हम कोई भी कलर यहाँ पर मिक्सिंग कर सकते हैं, ये देखें दोस्तों हमारे ये कलर आ गया। इसके बाद हम यहाँ पर अगर रेडियल करेंगे तो ये रेडियल आ जाएगा और इसको स्क्वायर करेंगे तो ये ऐसे दिखने लगेगा। तो दोस्तों, इस यहाँ पर हमने कॉपी पेस्ट की कमांड के बारे में पढ़ा और हमने ये ग्रेडियंट की कमांड। एक और कमांड मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ जो बहुत ज़्यादा यूज होती है हमारे कोरल में, वो है अगर हम इस बॉक्स को बड़ा कर देंगे, हम चाहते हैं कि ये बॉक्स इसी कलर में आ जाए, इसी तरह क्रॉप हो गए, तो यहाँ पर हम नीचे ऊपर वाले बॉक्स को क्लिक करेंगे और साथ ही नीचे वाले बॉक्स को क्लिक करेंगे शिफ्ट दबाकर, तो हम यहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे, ऊपर वाले बॉक्स को उड़ा देंगे, यहाँ पर हमारा ये बॉक्स आ जाएगा। एक बार फिर आपको बताता हूँ आपने कैसे करना है। आपने इस बॉक्स को क्लिक करना है, फिर शिफ्ट दबाकर नीचे वाले बॉक्स को क्लिक करना है और आपने इंटरसेक्ट कर देना है, ये डिलीट कर देना है और ये आपके पास बॉक्स आ जाएगा। अगर दोस्तों आप कहते हैं कि आपका ये जो बॉक्स है इसके अंदर फिट हो जाए लेकिन ये कलर भी ना हो, तो इसके लिए हमने पहले
इस डब्बे को क्लिक करना है जो आपका जो बॉक्स लगा हुआ है पहले वाला, इसको फिर आपने ऊपर वाले बॉक्स को क्लिक करना है, शिफ्ट दबाकर इंटरसेक्ट करेंगे तो दोस्तों ये देखें हमारा ये बिल्कुल ब्लैंक आ गया है। अगर हमने ब्लैंक लेना है तो उसके लिए हमें पिछले वाले जो हमारा बैकग्राउंड है उसको क्लिक करेंगे और फिर हमने अपने सेगमेंट को क्लिक करना है जो हमने इंटरसेक्ट करना है। इंटरसेक्ट की कमांड हमारे कोरल में बहुत ज़्यादा यूज होने वाली है, तो दोस्तों आप इसको बार बार ट्राई करें, अपने कोरल पर ट्राई करें, आपको इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसके बाद मैं यहाँ पर एक ग्रेडियंट की कमांड को दोबारा यूज़ करूँगा, जी प्रेस करके ऊपर से नीचे क्लिक कर दिया और यहाँ पर मैंने ऊपर ये कलर दे दिया और नीचे ये कलर दे दिया, ठीक हो गया दोस्तों। यहाँ पर मैंने कलर को चेंज कर दिया, कलर मुझे ज़रा अच्छा, यहाँ पर दोस्तों आप देखें कि कलर बहुत डल आ रहे हैं, इतने अच्छे नहीं आ रहे क्योंकि मेरे पास यहाँ इस्तेमाल हो रहा है लैपटॉप, तो लैपटॉप की जो ग्राफिक्स है मेरे पास इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए ये कलर अच्छे नहीं आ रहे। दोस्तों अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग करती हैं तो अपने इस पीसी पे करें, पीसी पे ओरिजिनल कलर्स आते हैं। यहाँ पर मैं इसको कॉपी करता हूँ, शिफ्ट शिफ्ट दबाया मैंने और इसको प्रेस करके अपने लेफ्ट क्लिक को अंदर ले गया और राइट क्लिक को दसी मैंने प्रेस कर दिया। ये देखें दोस्तों यहाँ पर पड़ा हुआ है मिरर, और मिरर हॉरिजेंटली और मिरर वर्टिकली, मिरर वर्टिकल करेंगे तो ये हमारा ये ऐसे आ जाएगा। फिर हम एक और कॉपी करेंगे, इसके अंदर अच्छी तरह लेफ्ट क्लिक को प्रेस करके अंदर ले जाएंगे और साथ ही हमने शिफ्ट को भी दबाना है और राइट क्लिक प्रेस करना है तो ये इसके अंदर बॉक्स लग जाएगा। यहाँ पर हमने फिर मिरर वर्टिकली करेंगे, इस सारे को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर हम ऐसे सिलेक्ट करेंगे तो हमारा बैकग्राउंड सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर हमने ऑल्ट ऑल्ट प्रेस करना है, ऑल्ट प्रेस करेंगे तो हमारा ये जो अंदर वाला हिस्सा है वो सिलेक्ट होगा। ये देखें दोस्तों मैंने ऑल्ट प्रेस बगैर किए ये क्लिक किया तो ये हमारा बैकग्राउंड भी सिलेक्ट हो गया। यहाँ पर मैंने ऑल्ट प्रेस किया तो ये देखें दोस्तों ये सिर्फ ये वाला बॉक्स सिलेक्ट हुआ है। इसके बाद हमने इस पर लेफ्ट क्लिक राइट क्लिक करना है। ये देखें दोस्तों मैंने इस पर ये अपने माउस का ये वाला क्लिक किया है राइट क्लिक, इसको मैंने पकड़ के राइट क्लिक क्लियर किया तो इसकी जो आउटलाइन है वो ख़त्म हो गई और ये बहुत अच्छा सा वेक्टर दिखने लग गया है। अगर हम जहाँ पर देखें हमारा जो नीचे लिखाई है वो छुप गई है तो दोस्तों इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे शिफ्ट और पेज अप। पेज अप आपके कीबोर्ड के अंदर है, आप देख सकते हैं शिफ्ट पेज अप। हम कोई भी चीज़ हम नहीं लगाते हैं, यहाँ पर मैंने इसको कलर दे दिया तो ये देखें नीचे ये कलर छुप गया है, जो आपका नाम है वो छुप गया है। यहाँ पर हम ऑल्ट प्रेस करेंगे और इसको सेलेक्ट करके ऑल्ट आपने छोड़ देना है, जैसी आपने ऑल्ट प्रेस करना है क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद ऑल्ट आपने ज़बरदस्ती छोड़ देना है। यहाँ पर क्लिक किया मैंने और शिफ्ट और पेज अप कर दिया, शिफ्ट पेज अप से आपका जो लिखाई है वो ऊपर आ जाती है। यहाँ पर मैंने कोई भी कलर दे दिया, ये देखें दोस्तों हमारा जो ऑब्जेक्ट है बहुत खूबसूरत हो गया है। आज हमने दोस्तों कॉपी पेस्ट की कमांड को दोहराया और यहाँ पर एक और कमांड जो थी जहाँ पर इंटरसेक्ट की। इसके बाद मैं आपको अगली क्लास में ट्रिम के बारे में और मोस्टली यूज़ होने वाली कमांड्स के बारे में बताऊंगा जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं डिज़ाइनिंग में, प्रोफेशनल वर्क में। तो दोस्तों अभी तक भी अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आपको यहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। अस्सलामुअलैकुम, अल्लाह हाफिज़।